इतनी काफी भर चुकी नहीं मिसाल के तौर पर पीपुल्स के पार्टी या समाजवादी जैसे आती है तानी के महबूबा जी तक ढंके की चोट हुई बल्कि पीढ़ी दर के बीच पावर प्रोजेक्ट हम साल से साल उसे पानी खावा का सुन ये किसकी सरकार में हुआ महबूबा जी की सरकार में हुआ बनाने का आशय आशा दूर का सुन और जो हमारे साबा से जम्मू से रियासी से कुटवा से जो हमारे गुजर बकरवाल भाई जो अपना माल मवेशी लाना चाहते हैं उनको फौरन इजाजत दी जाए मैम कल जो किलिंग हो गई हनवारा में तो पीडीपी कैसे देख रही है वेरी अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए था ऐसा जो हो बाबा जी आप ये बताइए जो अभी अमित शाह का ट्वीट आया है ट्वीट किया है उन्होंने कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उनको बाहर निकालेंगे यहाँ से जो विदाउट सिख हिंदूज एंड बुद्धा जो आगे करने वाले हैं वो तो उसका क्या मतलब है बाकी रहता कौन है ये जो इस वक्त इलेक्शन के लिए वोट जीतने के लिए जो अमित शाह साहब और उनके जो दूसरे लोग जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी नाजेब जबान है और जमहूरी हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जम्मू कश्मीर ने भी हिंदुस्तान के साथ मिलने का फैसला इसके सेक्युलर कल्चर को देखते हुए किया है तो मैं समझती हूँ कि अमित शाह साहब को लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए इस मुल्क के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए खासकर यहाँ के जो हिंदू हैं मुसलमान हैं सिख हैं ईसाई है सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि ये मुल्क जो इसकी जो बुनियाद है वो सेक्युलर कदरों पर बनी है वो किसी हिंदू या किसी सिख या किसी मुसलमान के लिए नहीं है बल्कि ये मुल्क सबका है और ऐसे बयान देके मुझे लगता है कि इस मुल्क की जो बुनियादें हिलाना चाहते हैं ये लोग इस मुल्क को के लिए ये खतरा बने हुए हैं मुझे लगता है इनकी इस किस्म की बातें जो हैं हिंदुस्तान के सेकुलर कल्चर के ऊपर एक अटैक है और इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए तो अभी आपने के कंगन के लोग जो आपके साथ पिछली बार जो उन लोगों को उठाया गया जो पीडीपी के थे इस बार क्या रहता है मेरा अपना बच्चा है इसका ख्याल हम खुद रखेंगे।